बच्चों निकाल जी थर्ड क्लास की मैथ की बुक और नोटबुक। मोर टू डू सेकंड, पहले रिवीजन में हमने कंप्लीट कर लिया था, अब सेकंड रिवीजन में चल रहे हैं। सेकंड में है ट्रू और फॉल्स, फाइव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। सेकंड है राइट ट्रू फॉर राइट ट्रू एंड फॉल्स इन द बॉक्सेस, हमें जो दिए गए हैं इनमें से हमें ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य यानी राइट और रॉन्ग बताने हैं कि ये जो कह रहा है वो सही है या गलत है। ट्रू यानी होता है सत्य यानी सही और फॉल्स होता है रॉन्ग यानी गलत, ठीक है। तो हमें ये जो बोल रहा है उसके लिए बताना है कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यदि सही बोल रहा है तो हमें ट्रू करना है और गलत बोल रहा है तो हमें क्या करना है, फॉल्स करना है। तो पहला देखिए इसमें द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्मेड बाय यूजिंग द डिजिट 0356 इज 3056। हमारे पास में कुछ डिजिट दिए गए हैं और इसने कहा है 3056 क्या है, ये फोर डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो क्या आप मानते हो इसको कि ये फोर डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है इन डिजिटों नंबर्स है, इन डिजिटों के अकॉर्डिंग, इन डिजिटों के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट फोर नंबर्स, फोर डिजिट वाले नंबर्स हमारे पास हैं। तो क्या ये सही है, स्मॉलेस्ट आ रहा है इन डिजिट के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट है ये फोर डिजिट के अंदर है कि नहीं। तो ये क्या हमारा हो जाएगा राइट यानी कि ट्रू, हमें इसमें कर देना है टी आर यू ई ट्रू, टी आर यू ई ट्रू, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पहले में क्या करना है, ट्रू यानी ये सही है सत्य है, ठीक है। अगला देखिए द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट नंबर, ये कह रहा है हमें सक्सेसर के लिए हमेशा ग्रेटर देन की आवश्यकता रहती है, हमेशा जब सक्सेसर यूज करते हैं तब हमेशा ग्रेटर देन में आता है कि नहीं है। तो सक्सेसर का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में हमेशा कोई भी डिजिट आती है, कोई भी नंबर्स हमारे सामने आते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे 42 है ना, तो जब हम सक्सेसर के रूप में करेंगे तो यहाँ पर 1 क्या करेंगे ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो सक्सेसर हमेशा किस तरह जाता है, बढ़ते की ओर जाएगा, तो हमेशा ग्रेटर देन होगा, जब सक्सेसर के लिए हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन ही होता है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, ट्रू करना है। सेकंड में भी क्या करना है, ट्रू करना है। थर्ड वाला है द एक्सपेंडेड फॉरन ऑफ 5612 है, इनको हमें क्या करना है, पहले तो एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने पर आ रहा है हमारे पास 5000, फिर आ रहा है 600 और फिर आ रहा है 12 है तो 10+2 ये होगा। इसको जब एक्सप्लेन करेंगे इस डिजिट को इस नंबर्स को तो हमारे पास यही आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या ये सही है, तो क्या होगा सही है क्योंकि हमारे भी तो यही आ रहे हैं और इसमें भी यही दे रहा है 5610 और 2। इसी प्रकार से एक्सप्लेन ये हमारा क्या है राइट है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ट्रू करना है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन एट 742 एट 742 ये देख लिया आपने सबने, ट्रू और फॉल्स से आपको लगाना है, समझने के लिए बता रही हूँ मैं। तो फोर्थ वाला है फेस वैल्यू एट 742 और इसके अंदर 2 की प्लेस वैल्यू पूछ रही है, 2 की फेस वैल्यू पूछी जा रही है। तो 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 की फेस वैल्यू क्या होती है 2, लेकिन इसने क्या दे रखा है 20 दे रखा है। हमारे पास 2 की फेस वैल्यू क्या हो रही है 2 हो रही है ना, लेकिन इसने क्या दे रखा है 20 दे रखा है। तो क्या ये 20 सही आएगा, क्या नहीं आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स फॉल्स, हमें इसमें क्या करना है फॉल्स करना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 8742 है, यदि 2 की डिजिट 20 हो रही है तो क्या ये सही है, तो सही होगा क्या नहीं होगा क्योंकि 2 की फेस वैल्यू क्या है 2 होती है, ठीक है। तो इसमें आप रॉन्ग कर दोगे फॉल्स कर दोगे। अगला है फिफ्थ वाला द एक्सपेंडेड फॉरम ऑफ नंबर टेल्स द प्लेस वैल्यू ऑफ
वाली हो रही है ना, सिक्स की देखते हैं तो सिक्स की प्लेस वैल्यू 100 आ रही है और वन की प्लेस वैल्यू 10 आ रही है, टू की प्लेस वैल्यू 2 आ रही है, तो प्लेस वैल्यू भी हमें ज्ञात हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं कोई भी नंबर एक्सप्लेन करते हैं तो हर डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू ज्ञात होती है, हाँ होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, राइट करना है, ट्रू करना है, सत्य करना है, ठीक है, इस प्रकार से करना है। सिक्स वाला देखिए, 6400 इज राइटन एज 6400, 6400 क्या है राइटन लिखा हुआ है, जब इनको शॉर्ट रूप में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6400, यही आ रहा है ना, तो इसमें आंसर सही आ रहा है। हमने एक्सप्लेन किया है और इसको हमने शॉर्ट रूप में, शॉर्ट फॉर्म में किया है तो हमारे पास यही आ रहा है और ये भी यही आंसर दे रहा है, तो क्या ये सही है, सही है। तो इसमें आप क्या कर दोगे,